ये वीडियो जो मैं कर रहा हूँ, इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बातें एक्सप्रेस करना है, और कोई मकसद नहीं है किसी को गलत कहना या किसी को बुरा कहना, ठीक है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं और या जो इन दोनों के फॉलोअर्स हैं, तो भाई कमेंट में प्लीज़ गाली गलौज मत करना, मेरी बात को सुनना और समझना मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो जेन्युइन चीज़ हो आप उसको बोल सकते हैं, ठीक। सिर्फ मकसद यही है कि मेरा चैनल बूस्ट हो और मेरे को भी एक रेनाउन यूट्यूबर की पहचान मिले, ठीक। एंड नथिंग एल्स, नथिंग पर्सनल, नथिंग एल्स, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सब अपने भाई भाई हैं इस कम्युनिटी में, ठीक है। तो और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझिएगा, और अगर आप मेरी इस बात को दोनों बंदों तक पहुँचा सकते हैं तो ज़रूर पहुँचाइएगा मेरी इस बात को, या कह लीजिए मेरी इस रिक्वेस्ट को, ठीक है। तो आप वीडियो में बढ़िए आगे। हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा, आप इनको भी जानते होंगे और आप इनको भी जानते होंगे। ये हमारे मनोज दे भाई और ये हमारे ट्रिगर्ड इंसान। ये जो दो यूट्यूबर हैं, ये यूट्यूबर थोड़ा यूनिक हैं, इसीलिए मैंने इनके बारे में वीडियो बनाया, और जो थंबनेल में मैंने रखा है उसकी वजह भी मैं बताऊंगा। तो मनोज दे भाई जो हैं वो बहुत ही छोटी जगह से और बहुत ही कम संसाधनों से उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव किया है यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं शुरू से उनको देखता था, हालांकि जब मैं YouTube वीडियो नहीं करता था तब भी मैं उनको देखता था। तो उनकी बातों में, उनके एक्सप्लेन करने में वो चीज़ें झलकती थी, और वो जैसे छोटे यूट्यूबर होते तो उनकी हेल्प भी करते थे। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो और भी यूट्यूबर्स हैं, जैसे कैरी मिनाटी और भुवन बाम, आशीष चंचलानी वगैरह, ये सारे यूट्यूबर्स हैं, मगर इनमें जो ये दो यूट्यूबर थे, मनोज दे और ट्रिगर इंसान, ये थोड़ा यूनिक यूट्यूबर थे। और यूनिक होने की वजह क्या थी कि ये लोग मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते थे और जेन्युइनली लोगों की मदद करते थे। तो रिसेंटली मैंने मनोज दे सर को एक मेल किया था, ठीक है, रिगार्डिंग माई शार्ट आउट, तो उसके रिगार्डिंग मेल किया था, और मैंने उनसे उनके चैनल पे जब वीडियोस अपलोड की थी उस पर भी मैंने कमेंट किया था कि वो मेरे चैनल को पिन कर दें या मेरे को शार्ट आउट कर दें। तो हालांकि उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस मेरे को नहीं आया, ना ही मेल के थ्रू आया, ना ही कमेंट में वो रिप्लाई करते हैं, जबकि मनोज दे सर कहते हैं कि जो छोटे यूट्यूबर होते हैं उनकी वो हेल्प करते हैं। अभी संदीप महेश्वरी सर के जब प्रोग्राम में आए थे वो, तो उन्होंने कहा था कि अब मैंने इतना अचीव कर लिया है, बाकी जो लोग बच रहे हैं यूट्यूब में मैं उनकी मदद करता हूँ। तो सर आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, ये मेरे को ऐसी कोई मदद आपकी तरफ से नहीं मिली, हालांकि मैं स्टिल आपकी वीडियोस देखता हूँ और आपके केयर को, आपके कामों को अप्रिशिएट भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने वो बात कही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई मारता हूँ, देखता हूँ मनोज सर मेरी कोई हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। और मैं कोई ऐसे अचानक से नहीं मांग रहा हूँ, या मेरे चैनल एकदम बिल्कुल शून्य पे नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि 1 सब्सक्राइबर है और मैं वीडियोस नहीं कर रहा हूँ या कंटेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। बस मैं उनसे ये चाहता था कि जैसे मेरे चैनल पे थोड़ा बूस्ट आए, एलिवेशन मिले उसको, वो उस चीज़ को थोड़ा शट आउट अगर कर दें अपनी टाइमलाइन पे या कम्युनिटी पे, एटलीस्ट उनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए था, मेरे रिप्लाई देना चाहिए था कि हाँ वो ये करेंगे कि या नहीं करेंगे, या कर सकते हैं कि नहीं, हज़ारों में लाते होंगे उनको इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये तो हो गई मनोज सर की बात। अब दूसरे की बात करते हैं हम, ट्रिगर इंसान की। अब देखिए, रोस्टिंग के बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत लोग रोस्ट करते हैं, उन यूट्यूबर्स की बात नहीं करते क्योंकि उनमें थोड़ा एरोगेंस है, मगर सिर्फ एकलौता बंदा ऐसा है ट्रिगर इंसान जिसमें मेरे को ज़रा भी एरोगेंस नहीं लगता है, और वो बंदा जेन्युइन ही लगता है, मतलब जेन्युइन चीज़ें करता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर नहीं शो करता। बहुत सारे आप देखेंगे उसको फैन फेस्ट फेस्ट में गहरा जाते हैं, जो मिलते विलते हैं यूट्यूबर्स, तो उसमें आप बहुत डाउन टू अर्थ इनको पाएंगे, बहुत हम्बल पाएंगे। तो इसी मैंने सोचा कि अगर मैं इनसे हेल्प मांगूं बाकी यूट्यूबर्स को छोड़ के, तो ये भी मेरी कुछ हेल्प करेंगे,
क्योंकि ये उमेगली पे जो ऑनलाइन रैंडम चैट्स होती हैं उनमें ये काफ़ी पैसे वैसे बांटते रहते हैं। तो मेरा कोई पैसा लेने का मोट नहीं था, मेरा मतलब ये था कि आप मेरे चैनल को थोड़ा शार्ट आउट कर दें या एक कमेंट में पिन कर दें तो थोड़ा लाइमलाइट में आ जाएगा, थोड़ा रीच मेरी बढ़ जाएगी। दैट्स इट, नथिंग एल्स, आई वॉन्ट फेवर फ्रॉम यू। हालांकि ट्रिगर इंसान की तरफ से भी नहीं आया मुझे कोई रिस्पॉन्स, भाई स्टिल आई लव यू, क्योंकि मैं भाई आपकी वीडियोस देखता भी हूँ और मेरे को पसंद भी है जिस तरह से आप रोस्ट करते हो, कोई इशू नहीं है, चाहे थारा भाई जोगिंदर वाला हो चाहे जो भी वीडियोस हों। और भाई की मनोज सर तो वो हार्डवर्किंग बंदे हैं ही हैं, वो स्टिल बहुत लोगों की मदद करते भी होंगे और ये ट्रिगर्ड इंसान भी करते होंगे। मगर आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी भी थोड़ी हेल्प करें तो मुझे थोड़ा एलिवेशन मिले, बूस्ट मिले। और अगर मुझे इस तरह की मदद आप लोगों की तरफ से मिलती है तो ऑनेस्टली मैं एक सेपरेट वीडियो आपके दोनों पर बनाऊंगा भी, और मेरी जो 500,000 ऑडियंस है उस पर मैं शेयर भी करूंगा। ठीक है, इट डज़ नॉट ये नहीं है कि मैं, अगर आपने किया मेरे लिए कुछ और उसके बाद मैं आपको उसका क्रेडिट नहीं देता, वो तो ऑब्वियसली बात है मैं दूंगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ डिस्कशन है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं वाया मेल। हालांकि मुझे पता है कि इस वीडियो पे बनाने के बाद भी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आएगा आप दोनों की तरफ से, क्योंकि भाई आप लोग मिलियंस वाले यूट्यूबर हो और हम 30,000 वाले, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मेरे वॉचर्स हैं वो भी कुछ ख़ास मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि आप मेरी देखेंगे तो मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस अपनी डालता हूँ, और अगर बंदा छोटे से भी टॉपिक पे वीडियो मांगता है तो मैं उस पर भी वीडियो डाल देता हूँ, मगर स्टिल आप लोग का वो सपोर्ट या लाइक वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, जिस वजह से थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। मगर मैं स्टिल कर रहा हूँ और मैं करूँगा भी, और मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स भी इस बात को समझेंगे और एक अच्छे चैनल के रूप में मेरा चैनल भी ग्रोथ करेगा। हालांकि मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, कंटिन्यूस वीडियोस डालता भी हूँ, मैंने एक वीडियो भी बनाई जिसमें मैंने अपना शेयर किया कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, तो मेरे थॉट्स को आप समझेंगे। ठीक है, और स्टिल मैं आगे वीडियोस करूँगा और हर संडे मैं इसी तरह की बातें भी करूँगा आप लोगों से, ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। कहीं ना कहीं मेरी ये प्रॉब्लम हो जा रही है कि मैं अपनी ऑडियंस से इमोशनली या उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और जिस वजह से वो मेरे वीडियोज़ पर कमेंट वगैरह भी नहीं करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना छोटा भाई समझे मुझे, और मेरी वीडियोस पे कमेंट करा करें, लाइक करा करें, इंगेजमेंट बढ़ाया करें, ताकि हम आपस में कनेक्ट कर पाएँ एक दूसरे से और चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएँ और नई नई चीज़ें अपने चैनल पे करें। और मैंने जैसा कहा था कि मैं भाई अगर मेरे चैनल पे उस तरह के लोग करते हैं तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं चैनल को शार्ट आउट ज़रूर करूँगा। ठीक है, आप मुझसे मदद मांगेंगे तो जितनी मेरी मदद हो सकती है मैं करूँगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू अभी तो छोटा यूट्यूबर है या उतने हैं ही नहीं तेरे, तो तू तो कह ही देगा। तो भाई ऐसा नहीं है, मैं करूँगा। अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे ना, तो जो नीडी होंगे उनकी मैं ज़रूरत मैं करूँगा हेल्प, 1,000 सब्सक्राइबर वाले, 1,500 वाले को, या उनको मैं मेल के थ्रू। अभी भी मुझे जो इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज करता है मैं तुरंत विद इन 10 मिनट्स में उसको रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, विद इन 10 मिनट्स मुझको मेल भी कई लोगों ने किया, मैंने उनको मेल पे भी रिप्लाई दिया, तो मेरी कोई इशू नहीं है। आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, और मनोज सर और ट्रिगर इंसान से भी मेरी यही उम्मीद है कि वो मुझे शार्ट आउट अपने चैनल पे दें। नहीं देखते हैं तो भाई कोई बात नहीं, आपका चैनल ग्रो करता रहे। बस मुझे लगा था कि आप लोग मेरी हेल्प करेंगे मेरे चैनल को ग्रो करने में, कोई बात नहीं, अगर आप करते हैं तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।